दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं किसी भी मोबाइल का, इंटरनेट से, गूगल क्रोम के जरिए से या मोजिला फायरफॉक्स के जरिए से, तो होता क्या है कि वो सॉफ्टवेयर तो हम डाउनलोड करते हैं और वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता भी है आसानी से, लेकिन जब उस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं, अगर मान के चलिए बीच में हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए और उस सॉफ्टवेयर को अगर हम दोबारा डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, तो लेकिन वो सॉफ्टवेयर दोबारा जो डाउनलोड शुरू से होता है, यानी कि हमारा जो MB जितना डाउनलोड हो चुका था वो MB जो हमें दोबारा वापस नहीं मिलता, ठीक है। दोबारा अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड नहीं होता, फिर से शुरू से डाउनलोड होता है, यानी हमारा MB जो है बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को जो है कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के जरिए से आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रिज्यूम होगा, यानी जितना MB आपने डाउनलोड किया है, अगर बाद में अगर आप कल भी करना चाहें उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, तो फिर कल भी अगर आप डाउनलोड करेंगे उस सॉफ्टवेयर को, तो उस फ्लैश फाइल को, तो वो सॉफ्टवेयर जो उसी जगह से ही डाउनलोड होगा, जितना MB आपका डाउनलोड हो चुका था उतना MB के बाद वो डाउनलोड होगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करेंगे अपने कंप्यूटर में तो ये सिर्फ एक महीने के लिए ही चलता है ट्रायल वर्जन में, उसके बाद अगर आप चलाना चाहें तो आपको इसे एक्टिवेट करना होगा, आपको पैसे खर्च करना होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप जो है लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, बिना पैसे खर्च किए आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना पैसे खर्च किए कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मंदानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप इस बेल आइकन को क्लिक करके हमारे नई वीडियो की जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं को बता दूं, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में जो भी एंटीवायरस होगा, आपको उस एंटीवायरस को आपको डिसेबल करना होगा और डिसेबल करने के बाद ही आप जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर का जो एंटीवायरस है उसे हम यहाँ पे एक घंटे के लिए डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर कंप्रेसर फाइल है, तो इस फाइल को हमें पहले एक्सट्राहेयर करना होगा, ठीक है। तो चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे एक्सट्राहेयर कर देते हैं। उसके बाद सेम नाम का ये फोल्डर यहाँ पे बना चुका है और इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे कई सारी फाइल आपको नजर आ रही है, तो सबसे नीचे वाली फाइल को आपको पहले इंस्टॉल करना है नंबर एक पे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, पहले सबसे नीचे वाले फाइल को पहले इंस्टॉल करना है और इसी फाइल को हम इंस्टॉल करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे हमारा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल हो चुका है और इसका आइकॉन यहाँ पे बन चुका है। तो आपको बता दूं कि उसे आपको ओपन नहीं करना है, पहले आपको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट करने से पहले आपको ओपन नहीं करना है। तो ये दो फाइल आपको नजर आ रहा है, इन दोनों फाइल को भी आपको जो है एक्सट्राहेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एक्टिवेट करने वाला फाइल है, इसे भी आपको ओपन पहले नहीं करना है, उसके बाद ये वाले फाइल को आपको एक्सट्राहेयर करना है, ठीक है। तो चलिए इस फाइल को भी हम यहाँ पे एक्सट्राहेयर करते हैं, इसमें से एक फाइल बनेगा, ठीक है। उस फाइल को आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फाइल बन चुका है, इन दोनों फाइल को हम यहाँ पे पहले कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इन दोनों फाइल को हमें पेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फाइल को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इस फाइल को कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पे इस आइकन पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे फाइल लोकेशन पर, और उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर खुलेगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का। इस फोल्डर के अंदर में ये दो जो फाइल हमने कॉपी की थी, इस फाइल को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे इस फाइल को हम पेस्ट करेंगे तो आपको यस करने के लिए कहेगा और हमें यहाँ पे ऑल करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे ऑल कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्लोज करने के बाद इस पेज को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्टिवेट करने वाला एक फाइल है, ठीक है। तो इस फाइल से हमें एक्टिवेट करना होगा, तो चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इस फोल्डर को। उसके बाद इसे हम जो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे रन एडमिनिस्टर यहाँ पे देना है, ठीक है। तो रन एडमिनिस्टर पे हम जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये फाइल ओपन होगा। उसके बाद हमें जो यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो है पहले नंबर पे यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पहले नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमने इस सॉफ्टवेयर को पहले भी यहाँ पे इंस्टॉल किया था, अपने कंप्यूटर में रजिस्टर किया था, इसलिए यहाँ पे यस पे यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पे नो करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पे यस करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नो करते हैं, उसके बाद ये हमें रजिस्टर करने के लिए हमारा जो है नाम पूछेगा, ठीक है। तो चलिए हम अपना यहाँ पे फर्स्ट नाम डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने अपना फर्स्ट नाम डाल करके यहाँ पे ओके कर दिया, उसके बाद लास्ट नाम पूछा जा रहा है, तो चलिए लास्ट नाम में भी हम दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें यहाँ पे ओके करना होगा, ठीक है।
उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद सारे पेज को हमें यहाँ पे जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड मैनेजर जो है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, इसे हमें ओपन करना है। ठीक है, इसे हम ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जा रहा है और ये एक्टिवेट हो चुका है हमारे कंप्यूटर में और इसे हम लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और भी वीडियो भी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं, चाहे गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, चाहे मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, तो ठीक है आप जिस ब्राउजर से भी डाउनलोड करेंगे फाइल को तो वो यहाँ पे आईडिया में आके डाउनलोड होगा। ठीक है, जिस ब्राउजर से आप डाउनलोड करना अगर चाहें, आपका जो मनपसंद ब्राउजर हो, तो उस ब्राउजर को यहाँ पे आप चेक लगा रहने दें, उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दें। तो हमारा जो यहाँ पे दो ब्राउजर है, एक मोजिला फायरफॉक्स, दूसरा क्रोम। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने ओके कर दिया। ठीक है, चलिए इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। चलिए हम आपको एक फाइल यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलिए हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है लावा मोबाइल का। ठीक है, तो लावा मोबाइल लावा Z60, चलिए इस मॉडल को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जब भी आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लावा Z60 के फ्लैश फाइल को यहाँ पे सर्च करते हैं गूगल पे, और उसके बाद इस फ्लैश फाइल को हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं इस आईडिया में, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में, कि ये जो डाउनलोड होता है इसमें कि नहीं और इसमें रिज्यूम होता है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे फ्लैश फाइल हमें मिल चुका है, चलिए इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस लिंक पे जैसे हमने क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया फायर का यहाँ पे लिंक हमको मिल चुका है, इस लिंक पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस लिंक पर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं पे इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है और ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। चलिए हम बाकी फाइल को आपको क्लोज करके दिखाते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ये रिज्यूम लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फाइल डाउनलोड हो रही है तकरीबन ये 1 MB डाउनलोड हो चुकी है। चलिए इसे हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद फिर से हमें इस डाउनलोड मैनेजर को निकालना होगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ डेस्कटॉप से जो इसे ओपन कर सकते हैं। तो इस डेस्कटॉप से हमने ओपन कर लिया, फाइल पे हमने चेक लगाया, उसके बाद यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन है, रिज्यूम पे हमने क्लिक मारा। दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये फाइल दोबारा यहाँ पे रिज्यूम ले रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।